दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल फैंस के लिए बेहद बुरी खबरें सामने निकलकर आ रही हैं आईपीएल को लेकर कि आईपीएल 2020 पोस्टपोन होने वाला है और यहां तक भी खबर आई कि 15 अप्रैल को तो नहीं ही होना है, इसके बाद आईपीएल नहीं होगा और आईपीएल 2020 कैंसिल किया जाएगा यानी 2021 में आईपीएल कराया जाएगा। लेकिन इस समय बेहद अच्छी खबर सामने निकलकर आ रही है, आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी भारत सरकार और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही है। कि क्या है पूरी खबर वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक आईपीएल फैन है, क्रिकेट फैन है, तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज, क्या आईपीएल होने वाला है, नहीं होने वाला है, मीटिंग्स क्या होने वाली है, मीटिंग्स के बाद जो भी न्यूज सबसे पहले निकल कर आएगी सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिलने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं ओवरऑल हाल फिलहाल की न्यूज क्या है। दोस्तों आपको बता दें जो पहले मीटिंग की गई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि 15 अप्रैल से आईपीएल होने वाला है, लेकिन इसके बाद आईपीएल को यहां पर भी पोस्टपोन किया गया। 15 अप्रैल कोई भी कंफर्म डेट नहीं थी, इसके बाद 24 को मीटिंग हुई जहां पर ये डिसाइड किया गया कि 15 अप्रैल को नहीं होगा। इसके बाद पांच डेट्स दी गई थी, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और इसके बाद 5 मई। इन चार पांच डेट में आईपीएल के लिए मीटिंग होनी थी और सभी वीक में यहां पर एनालिसिस किया जाने वाला था और जिसके चलते आईपीएल का शेड्यूल लॉन्च होता, रीशेड्यूल आईपीएल होता यानी आईपीएल होने वाला था। इसके बाद खबर आई कि आईपीएल नहीं होगा, 2021 में आईपीएल होगा, क्योंकि जो बीमारी चल रही है चीनी बीमारी के चलते लगातार भारत में लॉकडाउन पड़ा हुआ है, तो इसके चलते यहां पर आईपीएल नहीं होने वाला था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहां पर यह बीमारी संक्रमण के तौर पर काफी बड़े स्टेज पर फैल रही है, काफी बड़े पैमाने में फैल रही है और जिसके चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन रखा गया और लॉकडाउन होने वाला 14 अप्रैल तक। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, 15 अप्रैल जो डेट दी गई थी सौरभ गांगुली के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा, यहां पर मीटिंग होने वाली 15 अप्रैल को जहां पर डिस्कस किया जाएगा आईपीएल होता है नहीं होता है। गुड न्यूज यहां पर यह है कि लॉकडाउन यहां पर एक्सटेंड नहीं होने वाला है, यह यहां पर कंफर्म हो चुका है, यहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा और जिस कारण से यह भी कंफर्म है कि आईपीएल 2020 आपको होते हुए दिखाई दे सकता है। 15 अप्रैल को फाइनल डिसीजन आएगा और आईपीएल किस फॉर्मेट में होगा, किस शेड्यूल के साथ होगा, रीएनालिसिस किया जाएगा, पूरी अपडेट्स आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिलने वाली है। तो वहीं इसके बाद एक और अपडेट की बात करूं वो यहां पर यह सामने निकल कर आ रही है कि एशिया कप जो 2020 में होना था आईपीएल के ठीक बाद एशिया कप होना था, तो कहीं ना कहीं एशिया कप पोस्टपोन होगा जहां पर एशिया की सभी टीम्स खेलने वाली थी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सभी टीम्स खेलने वाली थी, ये यहां पर पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन आईपीएल 2020 पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ये यहां पर काफी पक्की खबर है और एक गुड न्यूज है हम सभी क्रिकेट फैंस के लिए और आने वाले समय में और जो भी न्यूज सामने निकल कर आएंगे सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से वैसे ही मिलने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बाकी सभी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली है। और आप 2020 आईपीएल में किसको सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।